हेड वी ऑपरेशन में हमेशा से अहम इसका मकाम रहा है। फंक्शनल और खूबसूरती की मकासद दोनों ये पूरी करते हैं। कैप्स और बैंड से लेकर हेड बैंड और स्कार्प तक हर मौसम में और हर मौके के लिए हेडवेयर का ऑप्शन मौजूद रहता है। मुनफरद और स्टाइलिश हेडवेयर की बढ़ती हुई मांग के साथ आप अपना हेडवेयर का कारोबार शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के लिए मार्केट रिसर्च करें। अपना हदफ, अपने जो कस्टमर है उसकी शनाख्त करना आपके लिए ज़रूरी है और ये सोचे कि क्या आप इस तरह एक वसी रेंज पेश कर सकते हैं। हाँ, हेडवेयर के जो खिलाड़ियों के और जो कि मुख्तलिफ टीमों के और इस तरह त्योहारों में और मौसमों के लिहाज से जो हेडवेयर है तो वो अगर आप बना सकते हैं। एक दफ़ा जब आपको अपने अदब का और आपकी जो क्लाइंट्स का समझ वाज़ह नज़र आ जाए तो आप आला मयार के मवाद की फराहमी और काबिल एतमाद सप्लायर्स तलाश करने पर अपना तवज्जो मरकूज़ करें। जब आपके हेडवेयर प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने और तख्लीक करने की बात आती है तो पेशेंट की ताज़ा तरीन रुझानात और तर्जों पर आप गौर करें, वो ज़रूरी है। जैसे यानी कढ़ाई होती है, जैसा पेच वर्क होता है, तजुर्बा करने और नई चीज़ों को आजमाने से ना घबराए। इसमें यह आपका मौका होता है, आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को जाहिर करते हैं इसमें और इसके मुनफरद डिज़ाइन जो है मार्केट में लाने की कोशिश करें। नए ग्राहकों तक पहुँचने और फरोख बढ़ाने के लिए हेडवेयर के कारोबार की मार्केटिंग और फरोग देना ज़रूरी है। अपने मसनूआत की नुमाइश और वसी तरह क्लाइंट्स तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे इंस्टाग्राम होकर फेसबुक का इस्तेमाल करें। आप मकामी तकरीबात में भी जरा शिरकत कर सकते हैं ताकि सारिफिन से आपका राबिता कायम हो सके, अपनी मसनूआत पर बराह रास्त तासुरात आप हासिल कर सके। हेडवेयर का कारोबार शुरू करना एक तफरीह और फायदेमंद तजुर्बा है। सख्त मेहनत अदम और हेडवेयर के शौक के साथ आप एक कामयाब और फरोख पजीर कारोबार आप इसको बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही लुत्फ अंदोज काम अपने हेडवेयर के इस कारोबार को जो है फरोग दे, इस आइडिया को जो है एक अमली शक्ल पहनाए। सी फूड का बिजनेस, अगर आपको दिलचस्पी है इसमें और अपनी कम्युनिटी को आप सी फूड यानी फ्रेश सी फूड दे सकते हैं तो ये कारोबार आप शुरू करें। इसके लिए मार्केट का रिसर्च करें और डिमांड देखेगी, प्लानिंग करें इसके। फिर फूड एस्टेब्लिशमेंट के परमिट हो गया, सी फूड डीलर्स का लाइसेंस हो गया या होलसेल सी फूड परमिट, जो तमाम जवाबित है उसको उसकी तामील को यकीनी बनाए। फिर सोर्स तलाश करें, क्वालिटी वाला सोर्स सी फूड का। इसके लिए पैदावार सोर्स आला मयार की समंदरी गिजा जो है वो आपने हासिल करनी है और सप्लायर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे कायम करें। बेहतरीन मसनूआत के लिए मुनासिब कीमतों पर आप उनसे बात करें। एक मेनू तैयार करें, एक यानी सी फूड की मुस्तकिल फराहमी आप हासिल कर लेंगे तो आप एक ऐसा मेनू तैयार करना शुरू कर सकते हैं जो आपके हदफ को क्लाइंट से आप उनको पसंद आए और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो है आप क्लासिक पसंदीदा और मुनफरिद पकवान समेत मुतअद्दिद इख्तियारात आप ऑप्शन जो है आप उनको ऑफर कर सकते हैं। एक बावर्ची खाना, एक किचन जो है अच्छा तरतीब दे। इसके लिए जो है आपको एक प्रोफेशनल तिजारती जो है बावर्ची खाने की ज़रूरत होगी, वो आप बिल्कुल यकीनी बनाएं। आपका बावर्ची खाना जो है मुनासिब तरीक़ों से जो जदीद तरीक़ों से लैस होना चाहिए, सेहत और हिफाजत के तमाम मुतालिका जवाबित पर वो पूरा उतरना चाहिए और अपने कारोबार की फिर मार्केटिंग करें। इश्तहारात, सोशल मीडिया और अपने जो सी फूड है उसके बारे में आप खुद बात करें। नए ग्राहकों को जो है वो रागब करें, उधर उनको लाने के लिए जो है खसूसी रियायतें दे, खसूसी पैकेजेस दे, प्रमोशन उसको पेश किया करें। इसमें वक्त, मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है लेकिन सही मनसूबा बंदी और अमल दरामद के साथ ही एक फायदेमंद और मुनाफा बख्श मनसूबा हो सकता है। मार्केट रिसर्च करना, बिजनेस प्लान बनाना, ज़रूरी लाइसेंस और परमिट हासिल करना, आला मयार के समंदरी गिज़ा का आला क्वालिटी का सी फूड हासिल करना, मेनू तैयार करना, बावर्ची खाना तरतीब देना, अपने कारोबार को मौसर तरीके से मार्केट करना, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। केमिकल का कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। हर चीज़ में जो है केमिकल यूज होते हैं। आजकल दुनिया के सारे कारोबार तकरीबन केमिकल पर ही चल रहे हैं। जो बेकरी की इंडस्ट्री है उनको भी केमिकल चाहिए, जो फैक्ट्रिया है, अस्पताल है, कॉलेज है एग्रीकल्चर में, उसमें जो है प्रैक्टिकल के लिए केमिकल चाहिए। इंडस्ट्री में जो है केमिकल चाहिए, बायोकेमिकल उसके डाय करने के लिए जो है केमिकल चाहिए। हमारे जिंदगी में केमिकल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा हो रहा है और इसकी डिमांड भी बहुत कांस्टेंट है। हर बड़े शहर में जो है केमिकल की बाकायदा बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, तो उनके साथ कनेक्ट होके आप जो है अपनी मर्जी की जो है प्रॉफिट उसमें ले सकते हैं। अपने इलाके में, अपने शहर में जो है आप केमिकल का एक तो जबरदस्त कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी अच्छी चाहिए, या होलसेल में जो है उसको शुरू करना चाहिए और आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ सकती है।